इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये क्वेश्चन तुमको शॉर्ट नोट में आ सकता है 5 मार्क्स का। और समटाइम्स वो लोग डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग 10 मार्क का भी खींच सकते हैं, बट ज्यादातर ये शॉर्ट नोट में आएगा। अब जैसे ही ये शॉर्ट नोट में आएगा, तुम सबसे पहले ये चार्ट ड्रॉ करोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये पांच क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें से ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये चार्ट तुम स्टार्टिंग में ड्रॉ करोगे, और जैसे चार्ट ड्रॉ कर लिया, तुम्हारा आंसर ए बी सी डी फॉर्म में होगा। नाउ ए, तुम इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड फंक्शन है मैनेजमेंट का? वो उसके पहले कौन सा फंक्शन आता है? प्लानिंग। उसके बाद कौन सा आता है? स्टाफिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग फॉलोज द प्लानिंग फंक्शन। अब पर ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? तुमने एक स्टार्टअप कर लिया, सपोजिटली एक कॉलेज बना लिया। कॉलेज के लिए तुमको क्लासरूम्स लगेंगे, टीचर्स लगेंगे, पर उसके पहले तुमको एडमिशंस लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लगेगा, फिर टीचर्स का हेड एचओडी होगा। समझ में आ रहा है? अब सब्जेक्ट होगा, मे बी ओसी ले लो, इसके 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स के एक एक करके 8 भाग होंगे, हर एक भाग में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे जो कि कंटेंट होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो बना है, संस्था, उसमें हजारों काम होंगे। एक परचेज होगा, सेल होगा, अकाउंटिंग होगा, उसमें इनकम टैक्स होगा। नाउ टेल मी, सिमिलर काम कौन कौन से हैं? एक अकाउंटिंग है, उसमें इनकम टैक्स है, जीएसटी है, बिलिंग है, ये सब हम अकाउंट्स में डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, इफ आई वॉन्ट टू से प्रोडक्शन या एचआर, एचआर में क्या क्या काम होगा? तुम सिलेक्शन करोगे लोगों का, उनका प्रमोशन करोगे, प्लेसमेंट करोगे, ट्रांसफर करोगे, उनका परफॉर्मेंस चेकिंग करेंगे, जिसको परफॉर्मेंस अप्रेवल अप्रेजल बोलते हैं। सो डू यू एग्री, तुमने सिमिलर जॉब्स को या सिमिलर एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में फॉर्म कर दिया। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक ऐसा ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स है। इसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए चार्ट देखो। यहाँ पे तुमको चार डिपार्टमेंट दिखेगा, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशंस और एचआर। और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड है, मार्केटिंग डायरेक्टर। उसके अंडर मार्केटिंग मैनेजर आएगा, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर सेल्स टीम आएगी। समझ में आ रहा है? सो ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अपने शरीर का जो स्केलेटन है, हड्डियां, तुमने देखा होगा फोटो में या वीडियो में, हड्डियां है ना, टेक्निकली ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। लेकिन जब तुम जगह भरते हो और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ सपोजिटली कॉलेज के प्रिंसिपल है, 4 टीचर है, ये डू यू एग्री, प्रिंसिपल कि ताकत ये टीचर में है, मतलब अथॉरिटी टीचर्स के में कर सकता है, और टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। जब तुम ये जो चार्ट में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हो, अथॉरिटी ताकत डाउनवर्ड्स जाती है हमेशा, प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट है, टीचर्स, टीचर्स है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होगा फाउंडर। सो जब तुम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाते हो, ये चार्ट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्या है? यदि एक कंपनी में एप्पल ले लो, एप्पल अभी सेल्स 7 तारीख को एक्सपेक्टेड है, एप्पल का 14 का लॉन्चिंग, और करीबन 16 के आसपास लॉन्चिंग, मतलब वो टेलीवाइज वर्ल्ड वाइड वेब में बताएगा। फिर 16 से डिलीवरी शुरू करेंगे आईफोन 14 के। ये तो सेल्स का हो गया, व्हाट अबाउट प्रोडक्शन? वो अलग डिपार्टमेंट होगा। प्रोडक्शन के लिए परचेज करना पड़ेगा, लोग लगेंगे, एचआर, और इन सब का हिसाब किताब कौन देखेगा? अकाउंट्स देखेगा।
तो उनको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। सो आई होप तुमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया, जहाँ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। अथॉरिटी मतलब कौन जवाबदार है, टीचर किसके प्रति जवाबदार है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अथॉरिटी कहाँ पे है, टीचर क्या है? मतलब डाउनवर्ड्स ताकत है, समझ में आ रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली दो काम करता है। पहला काम, एक जो टास्क है, जॉब है, काम है, उसको एक डिपार्टमेंट में बनाता है। ये रहा डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट हुआ। और उस डिपार्टमेंट में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप तैयार होता है। अभी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होता है, सपोजिटली एक स्ट्रक्चर में एक वॉचमैन है, तुम उसको टीचर का दर्जा दोगे तो सम्मान से बात करोगे, ठीक है, और वॉचमैन आया तो तुम खड़े नहीं होगे, तुम नॉर्मल बात करोगे, लेकिन टीचर आया तो एक कोई खड़े हो जाएंगे, प्रिंसिपल आया तो तुम हाथ पीछे रख के सम्मान सम्मान से बात करोगे, लेकिन वही कोई क्लीनिंग कर रहा है तो तुम वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे, क्यों, प्रिंसिपल का ऑथोरिटी है। फर्क समझ में आ रहा है? सो ये ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टेटस बता, स्टेटस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है ये पता होना जरूरी है, किसके पास ताकत है, किसको काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजिंग पहले तो काम तैयार करता है, मतलब डिपार्टमेंट बनाता है, और डिपार्टमेंट में हेड होगा और अंडर लोग होंगे, अकाउंट्स मैनेजर और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे, अथॉरिटी मैनेजर के पास होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द मैनेजर है, समझ में आ रहा है। सो काम मतलब डिपार्टमेंट बनाना, और उसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाना। तुम जब कॉलेज जाओगे तो प्रिंसिपल का कैबिन होगा, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कॉलेज का क्या होगा, प्रिंसिपल, फिर आएंगे टीचर्स और फिर आओगे स्टूडेंट्स। तो तुमको पता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क है, तुम नॉर्मल बात कर पाओगे, प्रिंसिपल से शायद तुमको परमिशन लेना पड़े क्लासरूम में या उनके कैबिन में जाने के लिए। तो वो स्टेटस है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ह्यूमन एसोसिएशन है और अ कॉमन पर्पस डेफिनेशन है, तुम यूज कर सकते हो, और ये एक्स्ट्रा एक चार्ट ड्रॉ करोगे। अच्छा, अभी ये 10 पॉइंट्स है, और मैंने स्टोरी का न्यू हाउस बताया है, पहले मैं तुमको 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद स्टोरी बताऊंगा न्यू हाउस का, जिससे तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट्स पूरे लर्न हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। नाउ लेट अस कम टू, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क कितने भाग में किया है मैंने, एक मार्केटिंग दिख रहा है इधर, एक फिनेंस, अकाउंट्स फिनेंस का पार्ट होता है, ऑपरेशंस और एचआरएम। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, डू यू एग्री, काम को अलग अलग भाग में बांटा। अच्छा, मार्केटिंग में एमबीए मार्केटिंग होगा, फिनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ऑपरेशंस इंजीनियर होगा, एचआरएम एमबीए एचआर होगा, समझ में आ रहा है? सो स्पेशलाइजेशन आ गया। सो जो प्रोडक्शन वाला है उसको फिनेंस के बारे में पता नहीं, वो अपने फील्ड में मास्टर है। सो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग काम को बांटता है इनटू डिपार्टमेंट्स, और स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड फिनेंस का है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो उसको अपने डिपार्टमेंट का पूरा मास्टरी होगा। पॉइंट नंबर वन क्लियर। दूसरा, ऑर्डरली पोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, वापिस में चार्ट में आते। नाउ टेल मी, फिनेंस वाले को क्या क्या करना है, अकाउंट्स देखना है, टैक्स देखना है, ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स के पेमेंट्स करने हैं, परचेजर जिससे खरीदा उसको पेमेंट करना है, कस्टमर से कुछ गुड्स का पैसा आना है, तो फिनेंस वाला वो देखेगा, मार्केटिंग गुड्स बेचने की कोशिश करेगा, एडवर्टाइजमेंट। सो डू यू एग्री, ये जो पॉइंट है ऑर्डरली पोजिशन, यहाँ पे अपना प्रोडक्शन का काम चल रहा है, फिनेंस वाला दखलंदाजी नहीं देगा, यहाँ पे एचआरएम में आदमी का अपॉइंटमेंट रिमूवल प्रमोशन प्लेसमेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये डिपार्टमेंट इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये वाली बात है, तुम्हारे कॉलेज में साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, तीनों डिपार्टमेंट के एचओडीज अलग है, हो सकता है तीनों के प्रिंसिपल एक हो लेकिन टीचर्स अलग अलग होगा, कोई भी एक एक साइंस का कॉमर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि सबको काम अलग दिया है, डिपार्टमेंट्स अलग है, तो साइंस के टीचर्स अपना सिखाएंगे, उनके रूम्स अलग होंगे, आर्ट्स का अलग होगा और कॉमर्स का अलग होगा, तो ऑर्डरली पोजीशन होगा या परफॉर्मेंस होगा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा, रिड्यूसेस कॉस्ट।
अब ये कॉस्ट रिड्यूस कैसे हो? तुम जब पहली बार साइकिल सीखते हो तो तुम कई बार गिरते हो, और गिरने का कीमत रहता है साइकिल को डैमेज, बॉडी को डैमेज या इंजरी। लेकिन एक आदमी फिनेंस जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो 15-20 साल से उसी फील्ड में है, उसको पता है सीक्वेंस क्या है काम का, उसको पता है मार्च 31 को फाइनल अकाउंट्स का तैयारी मार्च के बाद अप्रैल मई में हो जाना चाहिए, ठीक है ना, जून के आसपास ऑडिट होता है, ये सालों साल होता है। अच्छा, एक बिना एक्सपीरियंस का आदमी गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसने डिले कर दिया, लास्ट मिनट में क्या होता है। अभी इसमें एक और परचेज डिपार्टमेंट में भी बना सकता हूँ, परचेज डिपार्टमेंट ने डिले किया परचेजिंग का, तो प्रोडक्शन रुक जाता है। अब परचेज मैनेजर को पता होना चाहिए इमरजेंसी में कहाँ से खरीदा जाए, और इमरजेंसी में खरीदना मतलब कॉस्ट का बढ़ना। लेकिन परचेज मैनेजर को इतने साल से काम करने का अनुभव होगा कि सस्ते में कहाँ से मिले। नया आदमी महंगा खरीदेगा, एक्सपीरियंस आदमी सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदेगा। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि कॉस्ट कम कैसे होगा, वो डिपार्टमेंट का आदमी अपने फील्ड में मास्टर हो, समझ में आ रहा है, वो अपना काम एकदम अच्छे तरीके से करेगा जिससे कॉस्ट कम होगा, क्योंकि उसको अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है। अच्छा, प्रोडक्शन में ले लो मारुति, मारुति ऑल्टो है, वैगन आर है, अर्टिगा है, सियाज है, ब्रेजा है, और कौन से गाड़ियां हैं, कौन सा, सुजुकी सुजुकी मारुति एक ही बेटा, सुजुकी मारुति कंपनी एक ही, मारुति उद्योग लिमिटेड सुजुकी के साथ ज्वाइंट वेंचर, सुजुकी जापानीज कंपनी है, इसके साथ ये हुआ है। सो ये जो कार, एक दिन में कौन सा कार बनाना, प्रोडक्शन 50,000 यूनिट का है, मारुति साल में 15 लाख कार बेचता है, मतलब महीने में कितना कार बनाना पड़ेगा उसको, 1.25 से 1.5 लाख, मतलब दिन में कितना हुआ, 5,000 कार। अब एक आदमी जिसको अनुभव नहीं है बोलेगा 5,000 वैगन आर बना दो, ऑल्टो वाला चिल्ला रहा है डिलीवरी का क्या हुआ। जिसको एक्सपीरियंस है वो शिफ्ट में बांटेगा कि चलो सवेरे ऑल्टो लो, दोपहर को वैगन आर लो, और अर्टिगा शाम को, अर्टिगा और ब्रेजा का सेल कम है तो वो दोनों एक साथ हो सकते। एक्सपीरियंस आदमी है तो कॉस्ट कम होता है। डिफाइंस वन स्टेटस, साफ है इसमें हाईएस्ट स्टेटस किसका है, मैनेजिंग डायरेक्टर का। फिर स्टेटस कैसे कम होते जा रहा है, तुमको पता होना चाहिए कौन सा कंपनी में किसको क्या स्टेटस है। एक एचओडी रहता है कॉलेज में, सारे टीचर्स बीबीए का एचओडी रहता है, सारे टीचर्स एचओडी को रिपोर्ट करते हैं। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि कोई भी स्टूडेंट एचओडी को जाकर बोल नहीं सकता सर लेक्चर लेने वाले को नहीं है, एचओडी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि बोलेगा मेरे को क्यों पूछ रहे हैं, जाके किससे पूछो, टीचर से पूछो। तो एक स्टेटस रहता है जिसके थ्रू काम होता है, करेक्ट। तो स्टेटस ये स्ट्रक्चर से पता चलता है, जितना ऊपर जा रहा है उतना स्टेटस ज्यादा है, और तुमको कंपनी से पता भी चल जाएगा, गेट के आजू बाजू जो कार खड़ी होगी स्पेशली वो मैनेजिंग डायरेक्टर उनके लिए होगा, उनका स्टेटस हाईएस्ट, उनका अलग कैबिन होगा, एयर कंडीशनड रूम होगा, बाकी लोग स्टाफ बाहर बैठे होंगे, पता चलता है स्टेटस, ठीक है। सो स्टेटस इससे पता चलता है, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ टास्क, कितना क्लियर है। मार्केटिंग वाला एडवर्टाइजिंग सेलिंग करेगा, फिनेंस वाला तो एक काम करेगा ही नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क तो होगा ही नहीं। ऑपरेशन वाला मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देगा, एचआरएम लोगों को अपॉइंट करेगा। नाउ डू यू एग्री, फिनेंस डायरेक्टर का यदि लोगों को अपॉइंट करना है तो वो बोलेगा एचआर को मुझे 3 अकाउंटेंट चाहिए ढूंढ के दो। सो फिनेंस डायरेक्टर भी ढूंढेगा, एचआर भी ढूंढेगा, तो क्या हो जाएगा, काम डुप्लीकेशन, कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है। नाउ तुमने अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिया है तो डुप्लीकेशन ऑफ टास्क कैसे होगा, करेक्ट, तो वो सेव हो जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अभी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, अभी मारुति में सपोजिटली 15 लाख का कार का सेलिंग है, इस साल उन लोगों ने टारगेट बनाया होगा 18 लाख, या होंडा कंपनी, इंडिया का टू व्हीलर मार्केट 1.5 करोड़ का मार्केट है, होंडा का शेयर है 50 लाख गाड़ियां, सो ये साल उन्होंने टारगेट में भी बनाया होगा 55 लाख। तो मारुति यदि 15 लाख का मार्केटिंग डायरेक्टर ने मार्केटिंग मैनेजर को टारगेट दिया 15 लाख बेचना है, मार्केटिंग मैनेजर सेल्स टीम को बांटेगा ना, से 5 लोग हैं, 3-3 लाख, 3-3 लाख हुआ ना, और फिर वो लोग
नीचे 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 ये शेयर होगा। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब मार्केटिंग डायरेक्टर को जो काम करना है उसका कुछ हिस्सा मार्केटिंग मैनेजर को देता है, मार्केटिंग मैनेजर को जो काम, सीधी बात है, कॉलेज चलाने की जवाबदारी प्रिंसिपल की है, टीचिंग का जवाबदारी भी प्रिंसिपल का है, वो किसके थ्रू काम करवाता है, टीचर्स के थ्रू, फीस कलेक्शन किसके थ्रू होता है, एडमिशन डिपार्टमेंट। सो प्रिंसिपल अपनी जो ताकत है फीस कलेक्शन की वो किसको दे रहा है, एडमिशन को। टीचिंग की जो ताकत है प्रिंसिपल के पास वो किससे करवा रहा है, टीचर से। तो इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। अभी एक और एग्जांपल ले लो। सपोजली तुम्हारे घर पे माताजी खाना बना रही है लेकिन रोटी के लिए आटा कम पड़ रहा है। तुम्हारी माताजी तुमको बोलती है 1 किलो आटा लेकर आ आशीर्वाद का। आशीर्वाद का एक सेलेक्ट सबसे बेस्ट ब्रांड माना जाता है इंडिया में। तो किसको लाना चाहिए, माताजी को, बट किसको काम दे रही है, तुमको। ये डेलीगेशन ही तो हुआ ना, इसको डेलीगेशन बोलते हैं। जो माताजी को करना है वो तुमसे करवा रही है, तो तुमको ताकत दे रही है कि जा खुद से चॉइस करके लेकर आ जा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डेलीगेशन, इससे पता चलता है डाउनवर्ड डेलीगेशन डाउनवर्ड जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाता है। इसके बाद में इसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल। अभी साफ पता चलता है डिसीजन मेकिंग की ताकत किसके पास है, एमडी के पास। एमडी जो डिसीजन में, अब 5G का ले लो, मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस का कौन है, मुकेश अंबानी। वहां पे करीबन 12 डायरेक्टर्स हैं। सो 5G का डिसीजन जो लिया, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ये 12 डायरेक्टर्स, फिर उसके अंडर वापस डिपार्टमेंट्स आएंगे। सो बोलने का तात्पर्य है डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल में आता है, क्योंकि यदि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कंट्रोल मैनेजर के पास है वो रिपोर्ट करेगा डायरेक्टर को। सो कंपनी का जो मार्केटिंग डायरेक्टर है वो जवाबदार है मार्केटिंग का सक्सेस या फेलियर का। अल्टीमेटली जवाबदारी इसकी आती है, मार्केटिंग डायरेक्टर की आती है। उसको डिसीजन भी लेना होगा डिपार्टमेंट के लिए और कंट्रोल भी, कोप विद चेंजेस। अभी वक्त बदल रहा है। टाटास का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, बहुत वाइड था, और अभी वक्त बहुत फास्ट बदल रहा है। तुमको चेंज फास्ट करने पड़ेंगे। पहले 3 साल लगता था गाड़ी डिजाइन करने, फिर टाइम कम होके 2 साल, अभी तुमको 1 साल के अंदर ही डिजाइन करना पड़ता है, 1-1.5 साल के अंदर। और टाटा नेक्सॉन मैंने बताया था वो लीड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। नासिक में खुद 1.5-2 हजार बुकिंग्स है, आई थिंक 2.5 हजार बुकिंग्स है, और कितना डिलीवर कर पाए होंगे वो लोग, 400-500। टाटा नेक्सॉन ई व्हीकल सुना है ना, तुम जाओ तुमको एक कंड नहीं मिलेगा, वेटिंग होगा, एटलीस्ट 3 to 6 months का वेटिंग होगा। नाउ बोलने का तात्पर्य यह है सडनली चेंज आ गया। नाउ पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होके टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ गया। तो टाटा ने क्या किया, उनका जो स्ट्रक्चर बहुत वास्ट था, रिपोर्टिंग मल्टीपल लेवल पर रिपोर्टिंग था, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, छोटा कर दिया, जिससे बोलते ना एक हाथी ताकतवर है बट दौड़ने में टाइम लगेगा, वही चीता पतला है लेकिन वो 90 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। अभी व्हीकल्स में यदि चेंज नहीं करे लोग, होंडा खुद इतने साल से पेट्रोल में था, वो भी 2 व्हीलर के बाइक्स का तैयारी उन्होंने भी शुरू कर दिया, तुमको 1-1.5 साल में मिल जाए, शायद लॉन्च भी करने वाला हो, ज्यादा दूर नहीं है, वो लोग टिक नहीं पाएंगे क्योंकि हीरो ये लोग सब खा जाएंगे मार्केट नहीं तो। और वैसे भी एथर का सक्सेस बहुत ज्यादा है 2 व्हीलर में, एथर की गाड़ी जली नहीं है, ओला सबकी गाड़ी जले है, और एथर इम्पोर्टेड बैटरीज अमेरिका से मंगाता है, तो वो लोग उतना सेफ गार्ड लेते हैं, एथर को टक्कर देना आसान नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो वक्त बदल रहा है तो इन लोग स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होता है। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इस डिपार्टमेंट का फ्री फ्लो, मैंने एक कंपनी में, ये फ्री फ्लो, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, इसको अपवर्ड बोलते हैं। मैंने एक कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आई थिंक 2 महीने समर ट्रेनिंग किया था, उसका जो फिनेंस मैनेजर था उसका अप्रोच बहुत अच्छा था कि एनी एग्जीक्यूटिव कैन कम एट एनी टाइम, ओपन डोर पॉलिसी। अब कुछ मैनेजर बोलते नहीं मैं काम कर रहा हूँ, यू कैन नॉट कम एट दैट टाइम, अलग अलग स्टाइल है, बट उनका स्टाइल इतना सक्सेस था, ही वॉज द फर्स्ट टू कम, सबसे पहले फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू कम। उनका काम देखते हुए आई थिंक उनका नाम मुझे याद है राजेश वेग, नाउ इज द फिनेंस डायरेक्टर ऑफ द होल क्रॉम्पटन ग्रीव्स, नाउ इज इन बॉम्बे हेड ऑफिस में उनको प्रमोशन कर दिया। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर कट ये बताता है कि कम्युनिकेशन क्या है,
फ्री फ्लो हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रक्चर प्रॉपर रहा था। समझ में आया 10 पॉइंट्स? ये ऑर्गेनाइजिंग और उसका क्या होगा, इंपॉर्टेंस होगा। अब इसको लर्न करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक स्टोरी बनाया है। न्यू हाउस, ऐसा सोचो तुम एक नए घर में जाते हो ना, नए घर में ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, स्टडी रूम होगा, तुम्हारा अलग अलग, राइट। मैंने एक घर खरीदा जिसमें रूम्स के अलग अलग डिवीजन है वर्क के हिसाब से। किचन का अपना काम है, ठीक है ना, डाइनिंग टेबल में तुम डाइनिंग रूम में टीवी रख के बोल रहे खाना खाओगे, है ना। सो डिवीजन ऑफ वर्क है, स्पेशलाइजेशन रूम है। आजकल मंदिर स्टोर रूम अलग से आने लगे हैं। इनफैक्ट आगे जो पॉइंट अपन देखेंगे, सर्वेंट क्वार्टर्स भी आजकल लग्जूरियस हाउस में अलग से देते हैं, ठीक है ना। मुंबई ये सब जगह मिल जाएगा, नासिक में ट्रेंड शुरू हो गया है सर्वेंट क्वार्टर्स अलग से। अब तुम क्या करते हो, तुमने घर को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, इनटू किचन और ड्राइंग रूम और स्टडी रूम और स्टोर रूम, है ना। नाउ जैसे डिवाइड कर दिया, तुम अभी शिफ्ट हुए, ऐसे सोचो तुम ड्राइंग रूम में सोफा सेट लगाओगे, उसमें गोदरेज ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डरली पोजीशन में तुमने सोफा सेट लगवाया। गोदरेज के सोफा बहुत अच्छे आते हैं, इफ यू वुड हैव गोदरेज का इंटीरियो नाम सुना होगा। तो तुम क्या करते हो, सोफा सेट लेके जाते हो और डाइनिंग रूम में ऑर्डरली पोजिशनिंग में लगाते हो। पहला घर को डिवाइड किया इंटू क्या, पार्ट्स या रूम्स। उसके बाद तुम एंटर हुए ड्राइंग रूम में, ऑर्डरली पोजिशन में क्या लगाया, सोफा सेट। हाँ, उसके बाद अब तुमने क्या किया, तुम ड्राइंग रूम में लगा दिया, बट तुमको लग रहा है दीवार में थोड़ा चिप है कहीं, बट तुम अभी पेंट नहीं कर रहे हो, तुम कॉस्ट सेव, तुम जस्ट शिफ्ट हुए हो, तुम कॉस्ट कम करने के लिए तुमने सोचा पेंट भविष्य में करेंगे। सो रिड्यूसेस कॉस्ट, डू यू एग्री। पॉइंट नंबर वन क्या है, डिविजन ऑफ वर्क। दूसरा, सोफा सेट को ऑर्डरली पोजिशनिंग किया। तीसरा, पेंट बाद में करने का फैसला लिया। नाउ उसके बाद, पर पर्दे लगाते समय क्या होता है, जब तुम पर्दे लगाते हो, इफ तुम्हारा पेंट पेंटिंग क्रीम है तो पर्दे लोग डार्क प्रेफर करते हैं, लेकिन क्रीम और ब्लू साथ में अच्छा नहीं दिखता, बट क्रीम और ब्राउन अच्छा दिखेगा। समझ में आ रहा है, लाइटिश व्हाइटिश ब्लूइश शेड में अगेन ब्लू पर्दा लेकिन बहुत कम दिखता है, ब्राउनिश क्रीमिश वैसे टाइप के ज्यादा आते हैं। सो तुम कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए तुम अपने पर्दे को बोलते ना डार्क शेड में नहीं लेते, थोड़े हल्का सा लाइटिश, नॉर्मली पर्दे लाइटिश शेड के हो सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर वन क्या था, तुम डिवाइड करते हो, फिर ऑर्डरली पोजिशनिंग ऑफ सोफा सेट, पेंट बाद में करेंगे, रिड्यूसेस कॉस्ट, दीवार में ही आ गए तो खिड़की में आ जाओ, वहां पे क्या पर्दा टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तुम फिर घर के बाहर आते हो, जितना फ्लैट ऊपर जाता है उतना स्टेटस बढ़ते जाता है, क्यों, हायर में कॉस्ट ज्यादा रहता है। इफ देयर इज अ हाई राइज बिल्डिंग तो सबसे पहले बुक होता है टॉप के फ्लैट्स, क्योंकि वहां से हवा अच्छी आती है और टॉप फ्लोर्स में मच्छर के भी प्रॉब्लम कम रहते हैं। कॉकरोचेस तो आ ही जाते हैं कैसे भी करके, बट हवा और जो लुक से आउटसाइड वो टॉप फ्लोर में, सो टॉप फ्लोर का रेट बीच से और लोअर से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। सो तुम बिल्डिंग में, अब पॉइंट नंबर वन क्या था, तुमने डिवाइड किया इन टू रूम्स, उसके बाद क्या किया, ऑर्डरली पोजिशनिंग किया, फिर कॉस्ट कम करने के हिसाब से पेंट बाद में सोचा, फिर कन्फ्लिक्ट अवॉइड किया तुमने, पर्दे और उसका मैच किया जो भी फिलहाल का जो पेंटिंग है। उसके बाद तुम बाहर निकले तो पता चला स्टेटस जितना ऊपर जाता है फ्लैट्स या फ्लोर उतना स्टेटस बढ़ते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी कैसे होता है, इफ इट्स अ टू रूम किचन बिल्डिंग, टू रूम किचन, ए विंग होगा, बी विंग में थ्री रूम किचन होगा, सो व्हाट पीपल डू, लोग सिर्फ ऊपर के डुप्लीकेट फ्लैट्स को अलग लेना अवॉइड करते हैं। सो सपोजिटली टू रूम किचन का एक फ्लैट है, कॉमन दीवार है, टू रूम किचन, दो अलग फ्लैट के बजाय वो लोग क्या करते हैं, बिल्डर को बोलते हैं, लोग दो डुप्लीकेट जो फ्लैट है ना उसके बजाय
तो अलग फ्लैट नहीं, मैं एक साथ ले लूंगा, बीच का दीवार तोड़ देते हैं। सो इधर का ड्राइंग रूम और इसका ड्राइंग रूम बढ़ के जुड़ जाता है और एक बड़ा ड्राइंग रूम बन जाता है। सो अक्सर ये होता है, थ्री बेडरूम हॉल किचन में भी होता ही है। इफ यू सी बॉम्बे में जो फिल्म स्टार्स खरीदते ना 15-15 करोड़ के, वो लोग ऐसे दो थ्री बेडरूम के 6 बेडरूम हॉल किचन के बीच का दीवार, जो आजू बाजू रहता है, बस बीच का दीवार, और फिर अपने हिसाब से इंटीरियर्स करवाते हैं। सो डुप्लीकेट ये लोग अलग अलग नहीं खरीदते, एक ही खरीदते, बीच का दीवार हटा देते हैं और फिर उस पर इंटीरियर का काम करते। फिर एक करने के बाद वो लोग सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनवाते हैं। मैंने तुमको बताया कि आजकल लग्जरियस फ्लैट्स के बाजू में एक सर्वेंट क्वार्टर्स भी रहता है, क्योंकि इन लोग को सर्वेंट 24 आवर्स लगता है। कौन सा सर्वेंट रहता है? एक तो कुक रहेगा। ये लोग क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनके लिए एक छोटा टू रूम किचन बनवा देते हैं, इंडियन टॉयलेट एक बना देते हैं, एक नॉर्मल घर जिसमें दे कैन स्टे। सो ये लोग कभी भी खाना खाने के लिए, रिच लोग नॉर्मली कुकिंग खुद नहीं करेंगे, इनका अपना ड्राइवर रहेगा, ठीक है ना। इनके दिन भर इतने बड़े रूम में क्लीनिंग के लिए, सो दो चार लोग सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। सो एक करने के बाद वो लोग सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनवाते हैं, जो कि 6 बेडरूम हॉल किचन, यदि 4,000 स्क्वायर फीट होगा तो सर्वेंट क्वार्टर होगा 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, छोटा सा बाहर होगा लेकिन अंदर नहीं होगा, इनके घर के आउटसाइड होगा। सो इनको घर का प्राइवेसी भी मिलता है और सर्वेंट को कभी भी बुला सकते हैं। और ऊपर के फ्लैट, अभी तुम सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, तुम टेरेस में जाते हो, हाई राइज बिल्डिंग, 14 फ्लोर, 18 फ्लोर, सोचो 30 फ्लोर, 40 फ्लोर में एक अलग माहौल रहता है इफ यू गो टुवर्ड्स द टेरेस। तो तुम खुली हवा में, तुमको डिसीजन मेकिंग लेना बहुत आसान हो जाता है। अब तुम क्या करते हो, टेरेस से अभी तुम डिसीजन मेकिंग ले लिए हो, चलो ये फैसला ले लिया, अब तुम आ जाते हो नीचे और जिंदगी की बोरियत को कोप करने के लिए मुझे चेंज चाहिए इस, अब तुम नीचे आ जाते हो पार्किंग में और सोचते हो यार अभी जिंदगी बहुत बोर हो रही है, चेंजेस हो रही है, तो मैं अभी कोप करने के लिए कार को निकालता हूँ और बिल्डिंग के सिक्योरिटी दरवाजा खोलता है, कार के फ्री फ्लो के साथ, नेचर के साथ कम्युनिकेशन के लिए निकल जाता है। सो वो टेरेस में डिसीजन मेकिंग लेता है, फिर बोर होता है, पार्किंग में आता है, बहुत जिंदगी बोर हो रही है, चेंज के लिए कार निकाले और वॉचमैन को बोलता है दरवाजा खोल लें, फ्री फ्लो ऑफ नेचर के साथ वो चला जाता है कहीं पे नेचुरल क्लाइमेट। कैन यू रिवाइज द 10 पॉइंट्स अगेन? पहला क्या है, तुम एक घर सोच रहे हो जिसका क्या है, डिविजन ऑफ वर्क, जिसमें अलग अलग रूम्स है, फिर तुम चेयर्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट करते हो कॉस्ट कम करने के लिए, पेंट बाद में सोच रहे हो, फिर पर्दे का कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए वॉल कलर और पर्दे का कलर, डी डेकोर बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत कॉस्टली ब्रांड है, तो मे बी तुम उसका पर्दा प्रेफर करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कन्फ्लिक्ट हो गया, फिर तुम रूम के बाहर निकलते हो, तुमको या बालकनी में आते हो, ऊपर देखते हो, स्टेटस पता चलता है, जितने ऊपर उतना फिल्म स्टार सबके फ्लैट टॉप फ्लोर में रहते हैं, ठीक है ना, उसमें भी ट्रिप्लेक्स, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स भी ये लोग लेते हैं टॉप फ्लोर, ताकि इनको डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो इंडिया में बहुत डिस्टर्ब करते, इनका पर्सनल लाइफ भी नहीं रहता, ठीक है। सो क्या पॉइंट था, स्टेटस जितना ऊपर, और फिर तुम देखते हो कि कुछ लोग दो फ्लोर फ्लैट अलग अलग नहीं लेते, डुप्लीकेट को एक कर देते हैं और उसके बाहर सर्वेंट क्वार्टर्स रहते हैं जिसमें काम दिया जा सकता है डेलीगेशन सर्वेंट को। अब तुम सब सेट हो गए हो घर पे, अब तुम जाते हो टेरेस में, डिसीजन लेते हो, फिर क्या करते हो, तुम डिसीजन लेके पार्किंग में आ जाते हो और तुम बोलते हो यार बहुत बोर हो गया, चेंजेस लाइफ में चेंज चाहिए, तुम कार निकालते हो, वॉचमैन दरवाजा खोलता है, फ्री फ्लो में तुम नेचर में चले जाते हो, नेचर के साथ कम्युनिकेशन का। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट से एक बार बिना देख के लिख के निकालो, देखो कितने याद है।